पौड़ी जिले के शिक्षा विभाग के सभागार में मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज की अध्यक्षता में जनपद के 15 ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी व उप शिक्षा अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा विद्यालयों में सरकार के संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। बैठक में विद्यालयों में मौजूद रिक्त पदों, पठन पाठन व्यवस्था, परीक्षा परिणाम, समग्र शिक्षा के तहत चलने वाले कार्यक्रम तथा जर्जर विद्यालय भवनों की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। वहीं जानकारी देते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को मरम्मत कार्य को ठीक से करने व विद्यालयों को जर्जर भवन की श्रेणी से हटवाने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं आगामी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम बेहतर हो सके, इसको लेकर भी कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। पौड़ी से भगवान सिंह गढ़वाल की रिपोर्ट। जनपद 15 ब्लॉक का एक बड़ा जनपद है, तो जनपद में जो हमारी सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं, वो किस तरीके से संचालित हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए प्रतिमाह मासिक बैठक आयोजित की जाती है। तो हमारे सभी खंड शिक्षाधिकारी और उप शिक्षाधिकारियों की एक मासिक बैठक हमने यहाँ पर ली थी। उसमें हमने समीक्षा की कि विद्यालयों में कोई पद रिक्त तो नहीं है, पठन पाठन कैसा चल रहा है, छमाही परीक्षा का रिजल्ट कैसा रहा है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाए जाने वाले जो कार्यक्रम है वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं।